चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको रिपोर्टिंग कैसे करते हैं नर्सरी से लाके। पहले तो इसके होल्स को ढकने के लिए कुछ चीज़ें ले आइए, मैंने तो दिए के यूज़ करे है। अब मैं तो ये गोबर का उपला होता है उसको ले रहा हूँ। इसको ये नाइट्रोजन रिच होता है, इसको आपको पौधे को अच्छी अच्छी सी वो मिलेगी, नीचे से नाइट्रोजन अच्छी सी मिलेगी तो आपका पौधा अच्छी तरह ग्रो कर पाएगा। आप इसको मुट्ठी भर डाल दीजिए मिट्टी डालने से पहले। अब मैं आपको सोइल मिक्स बता देता हूँ, 80% आपको लेने हैं गार्डन सोइल और 20% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। अब आप पहले मिट्टी डाल दीजिए गार्डन सोइल, उसके बाद आप कंपोस्ट डाल देना और जो बचे कंपोस्ट उसको इसके गार्डन सोइल के साथ मिक्स कर देना और फिर इन दोनों को मिक्स करके फिर डालना आप। अब जब हमारा पॉट आधा हो उसके बाद हम ऊपर से मरवा डाल देंगे और फिर मरवा के ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। फ़ायदे की बात कर लेते हैं और बेनिफिट बहुत सारे इसलिए कहूँगा क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ क्योर होती है, जैसे कफ हो गई, अस्थमा हो गई, गैस हो गई, इस इतने पता है मेरे को। और आप आगे भी रिसर्च कर सकते हैं, आप बहुत सारे देख सकते हैं आर्टिकल्स। हम इसका काढ़ा भी बना सकते हैं, उसका काढ़ बनाने को भी बहुत ईजी होता है। बस पानी में थोड़े बहुत मरवे के पत्ते डाल के उसको उबाल दो, उसको उबाल के पी लो। जैसे ग्रीन टी आसान होती है वैसे ही इसका काढ़ा बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप कोई से भी काढ़ा में मरवे के पत्ते भी डाल सकते हो, मरवों के पत्तों की भी चटनी बन सकती है। और उसकी चटनी बनाने के लिए आप पुदीना और हरे धनिया के चटनी के साथ भी बना सकते हो और अकेले मरवे के पत्तों की भी बना सकते हो आप। इसको खाने से पेट के कीड़े भी मरते हैं। आप इसको हर सुबह नीनावासी या पेट जब आपके आपने कुछ ना खा रखा हो ना आपने पानी पी रखा हो, इसको पत्ते चबा चबा के खा लीजिए फिर पानी पी लीजिए। सो गाइज ये थे बेनिफिट, अच्छा लगा लाइक करो शेयर करो।